नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योग और प्राणायाम किया। लद्दाख में बर्फ से ढकी सफ़ेद ज़मीन पर आईटीबीपी के जवानों के एक दल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग अभ्यास किया। लद्दाख में जिस जगह पर इन जवानों ने योग किया वहां का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे है। बर्फ की सफ़ेद चादर पर जवानों का योग अभ्यास बेहद मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। जरा आप भी देखिए, बर्फ की चादर के बीच काला चश्मा लगाए आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में योग किया। बता दें कि हाल ही में लद्दाख में ही भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। लद्दाख में ही भारत की चीन की सीमा लगी है। इस सीमा पर निगरानी के लिए आईटीबीपी के जवान तैनात रहते हैं। सिक्किम में भी आईटीबीपी के जवानों ने योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। तस्वीरों में लद्दाख के मुकाबले सिक्किम में अपेक्षाकृत कम बर्फ दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ का दृश्य बेहद सुंदर नजर आ रहा है। नीले आसमान और बादलों के समागम के नीचे आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश और दुनिया को धैर्य और कर्म का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि योग का साधक संकट में भी कभी धैर्य नहीं खोता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।